नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। मेरा नाम है नितिन और आज गुरुवार का दिन आ चुका है और गुरुवार को हमारी होती है रीजनिंग की क्लासेस। ठीक, तो आज की क्लास का जो चर्चा होगा वो वैसे आपको थंबनेल में दिख गया होगा, यानी कि डाइस यानी कि पासा। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आना अवश्य है, ये आना ही आना है और ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, ये सारी चीजों की चर्चा आज हम करेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा दिवाली की। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं, आपके परिवार में सब बढ़िया हैं, आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लर्न भी करते जा रहे हैं। दोस्तों, उसके अलावा मैं एक और बात आपसे कहता हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लाइव नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये लाइव नहीं है। क्योंकि जब ये 3 बजे लाइव आना होगा गुरुवार को, तो मैं खुद दिवाली की छुट्टी पे रहूंगा, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी छुट्टी के कारण आप लोग की लर्निंग पे फर्क पड़े। तो मैं ये रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, बशर्ते अगले गुरुवार से तो हमने मिलना ही मिलना है लाइव, और हम हमेशा ही लाइव मिलते हैं, कभी भी आपको रिकॉर्डेड नहीं दिया जाता है। पर अगर मैं छुट्टी पे रहता तो आप बताइए फिर मैं कैसे आता लाइव। ठीक बात है, इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ कि आप ये ट्राई करें, अपना पूरा वीडियो देख लें, आपको जो भी समस्या या डाउट्स होगी अगले गुरुवार जब हम लाइव मिलेंगे तब आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो, बता सकते हो, साझा कर सकते हो। खैर, टॉपिक इतना आसान है कि मुझे नहीं लगता आज इसमें हमें ज्यादा डाउट्स रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जो भी डाउट्स आपके मन में भी रहे होंगे पासा या डाइस को लेके, आज सारे ही कुछ क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों इसको फटाफट से। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि घन में है क्या क्या, टॉपिक है घन और पासा। ठीक है, तो आज हम पासे पे ज्यादा बात करेंगे, अगले वाले लाइव में हम घन पे ज्यादा बातें करेंगे। ठीक, आइए चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक पासा देखेंगे तो हम सबने वो गेम लूडो का, सांप सीढ़ी का खेला हुआ है। उसमें जो आप देखते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखता है, वो कुछ इस तरीके का रहता है, जिसमें कितनी सतह होती है दोस्तों, 6 सतह होती है। कौन सी सतह? एक ऊपर की और इसी के तत्काल विपरीत में नीचे की। ठीक, तो जो टॉप है तो उसके लिए एक नीचे क्या होगी, बॉटम, यानी कि एक ऊपर है तो एक क्या है, नीचे। एक ये फ्रंट में है यानी कि सामने है, तो तत्काल इसी के विपरीत एकदम पीछे कौन सी रहेगी, बैक। क्या रहेगी दोस्तों, बैक। तो एक सामने है तो एक क्या है, पीछे। अगर एक आपको दिखेगी कि दाहिनी तरफ है, ठीक है, राइट की तरफ है, तो एक कहां पे है दोस्तों, लेफ्ट की तरफ। एक कहां पे है दोस्तों, लेफ्ट की तरफ। तो दाएं का विपरीत बायां, ऊपर का विपरीत नीचे, सामने का विपरीत पीछे। क्लियर है? तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं कि आप हमेशा स्पष्ट हो जाए, क्या हो जाए कि कुल मिला के 6 सरफेस होती है। इस सरफेस को आप हिंदी में कह सकते हैं कि 6 सतह होती है। कुछ लोग इसको फलक का नाम भी दे देते हैं, तो आप फलक कहें सतह कहें एक ही बात है। ठीक, इसको फेस भी कह सकते हैं। तो ये कुछ इसके नामांकन हुए। 6 सतहों से हमें क्या करना है, अगर 6 सतहें हैं तो हमें मालूम है कि टॉप का विपरीत क्या होगा, बॉटम, 2 सतह यूज हो गई। ठीक है, राइट का विपरीत क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट, 4 सतह इस्तेमाल हो गई। ठीक है, फ्रंट का विपरीत क्या होगा दोस्तों, बैक। क्लियर, तो कुल मिला के आपकी 6 सतह है, जिसमें से 3 सतहों के विपरीत बाकी की 3 सतहें रहेंगी। तो ध्यान से देखिएगा, और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होगी दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कभी भी अगर आप देखोगे, बड़ी सिंपल सी बात है और ये बहुत ही कोर लॉजिक है इस चीज का। क्या है ये बात, कि मान के चलिए ये जो फ्रंट की सरफेस है, ये जो फ्रंट की सरफेस आप देख रहे हैं, सामने की सरफेस, ठीक है, सामने की सतह, इससे जुड़ी हुई ऊपर की सतह भी दिख रही है, इसी से जुड़ी हुई राइट और लेफ्ट की सतह भी दिख रही है। तो एक सरफेस से जुड़ी हुई कितनी सरफेसेस होती है, 4 बाकी की सरफेसेस होती है। कौन सी, मान के चलिए ये सामने वाली आपको दिख रही है, इससे जुड़ी हुई क्या है, ऊपर की, इससे जुड़ी हुई नीचे की भी रहेगी, इससे जुड़ी हुई ये वाली कौन सी दिख रही है, लेफ्ट की, और इसी से जुड़ी हुई यहाँ पे क्या रहेगी, राइट की। कौन नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, सिर्फ एक जुड़ा हुआ नहीं रहेगा जो इसके विपरीत होगा। तो फ्रंट के विपरीत कौन सा होगा, एकदम पीछे, जो बैक पे होगा। बात स्पष्ट है? तो आप जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जैसे हम भी हमारे घर के जो घर लगे हुए रहते हैं हमारे आसपास के, हम उनको क्या बोलते हैं, पड़ोस। ठीक है, तो हर एक सतह की 4 पड़ोसी सतह होगी, यानी कि 4 एडजेसेंट सतह होगी। एडजेसेंट आप बोल सकते हैं, पड़ोसी बोल सकते हैं, या नेबर बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक, और एक ऐसी सतह होगी जो विपरीत सतह होगी, एक ऐसी सतह होगी जो विपरीत सतह होगी।
ये बात स्पष्ट है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे हमें ध्यान में रखना ही है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप ऊपर वाले के लिए देखेंगे तो ऊपर वाले सतह के लिए ये राइट वाली सतह, इस तरफ से लेफ्ट वाली सतह, पीछे वाली सतह और सामने वाली सतह, चार से वो जुड़ा हुआ है, किससे सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ है, नीचे, जो एकदम तत्काल नीचे में होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना कि हर सतह के लिए चार पड़ोसी सतह तो रहेगी रहेगी, पर हर सतह के लिए एक विपरीत सतह रहेगी जिससे वो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, उससे वो दूर रहेगा। बात स्पष्ट है। अब जब हम पासे के क्वेश्चन करते हैं तब हमें डायग्राम या हमारा आरेख कुछ इस तरीके से नहीं दिखाया जाता, बल्कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ध्यान से देखिए, है ना, ऐसा कुछ हमने बहुत बार देखा होगा प्रश्नों, कुछ इस तरीके का दिखा है। तो इसमें वह कितनी सरफेसेस या कितनी सतह दिखाना चाह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कुल मिला के तीन दिखाना चाह रहा है। एक तो ये वाली आपको दिख रही होगी, एक आपको ये वाली दिख रही होगी और एक ये वाली दिख रही होगी। पर हमें तो मालूम है ना कि इसके अंदर कितनी होती है, छह होती है। तो इसमें प्रश्न बनाने वाले की मंशा क्या है, इसमें प्रश्न बनाने वाले की मंशा कुछ इस तरीके की है कि तीन सतह दिखाकर बाकी की तीन सतह के लिए वो जानकारी लेना चाहता है। तो तीन सतह दिखा के बाकी की तीन सतह की जानकारी वो लेना चाहता है। तो कुल मिला के हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य यह है कि पूरी छह की छह सतह हमें पता रहे, छह के छह फलक हमें पता रहे, बस इतना हमारा मेन काम है। ठीक है, तो अगर हमें इसे पता करना है तो खूब सारे तरीके, अब मैं सब कुछ आपको साझा करता हूं एक एक करके। ठीक, आइए सबसे पहले देखिए, पासा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। डाइस यानी कि आपके कैसे रहते हैं, दो प्रकार के रहते हैं। 1% चांस है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाए। कैसे आ जाए, स्टैंडर्ड डाइस का, स्टैंडर्ड डाइस का, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि आपका हो गया मानक पासा, मानक पासा। अब बोलेंगे सर ये क्या है, ये वही पासा है जो हम अपने लूडो में यूज करते हैं, ये वही पासा है जो हम अपने सांप सीढ़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके घर पे होगा जरूर आप उसको एक बार ही देखिएगा। इस पासे की खासियत क्या है या इस पासे की पहचान क्या है, ध्यान से देखिए, इस पासे की पहचान ये है कि विपरीत यानी कि अपोजिट, अपोजिट्स, अपोजिट जो भी सतह होंगी या जो विपरीत फलक होंगे, सतह होंगी, इनका जो योग होगा वो क्या होगा, इनका जो योग होगा वो क्या होगा, सात होगा। इनका योग क्या होगा, सात होगा। तो हमेशा जो भी आपका मानक पासा होगा उसमें जो एक जिस पे लिखा होगा उसके विपरीत क्या होगा, छह होगा। तब जाके एक और छह कितना बनेंगे दोस्तों, सात बनेंगे। दो जिस सतह पे लिखा होगा उसके विपरीत कौन सी सतह होगी दोस्तों, पांच होगी। तब जाके दो और पांच क्या बनेगा दोस्तों, सात बनेगा। जिस सतह पे तीन लिखा होगा उसके विपरीत क्या होगी दोस्तों, चार। तब जाके तीन और चार क्या बनाएगा दोस्तों, सात बनाएगा। तो कुछ इस तरीके से गेम होगी वहां पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से गेम होगी वहां पे। तो इसमें क्या होगा, विपरीत सतहों का योग सात होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग सात होना चाहिए। अगर पड़ोसी सतह का योग सात हो गया तो मतलब वो मानक पासा नहीं है। तो अगर वो मानक पासा नहीं हुआ, दूसरा वाला जिसके 99% प्रश्न आएंगे, तो वो कौन सा हुआ, उसको आप बोल सकते हैं साधारण पासा, साधारण पासा, यानी कि इसको इंग्लिश में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका भेद क्या हुआ, इसका भेद ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड होता है उसमें विपरीत का योग सात होता है, पर अगर विपरीत का ना जानते हुए कई बार आपको पड़ोसी सतहों का योग साथ दे दे तो वो क्या हुआ, गलत पासा हुआ, साधारण पासा हुआ, नॉन स्टैंडर्ड पासा हुआ। उदाहरण के तौर पे कुछ इस तरीके का आपको दे दिया जाए। ठीक, यहाँ पे चार लिखा है, यहाँ पे तीन लिखा है, यहाँ पे पांच लिखा है। आप बोलेंगे सर पांच और चार का तो योग नौ होता है, पांच और तीन का योग आठ होता है, पर देखो चार और तीन का योग क्या हो गया, सात हो गया। तो क्या पड़ोसी सतहों का योग सात हो सकता है क्या मानक पासे में, नहीं, मानक पासे में तो विपरीत सतहों का योग क्या होगा, सात होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पड़ोसी सतहों का योग कितना होने लग रहा है, सात। तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो। ठीक है, तो अगर पड़ोसी सतह में, पड़ोसी सतह का योग या पड़ोसी सरफेस का योग आपको सात मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा पासा है, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड यानी कि साधारण पासा। ये बात स्पष्ट हो गई दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो अमूमन क्वेश्चन जो आपको आएंगे, अमूमन क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो इनकी पहचान क्या हुई कि इनमें पड़ोसी सतहों का भी योग साथ दे देता है कई बार, तो हमें पता चल जाता है कि ये नॉन स्टैंडर्ड। इसके कोई प्रश्न क्यों कम आते हैं,
क्योंकि इसमें प्रश्न पूछेगा क्या, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें मालूम है 1 का 6 है, 2 का 5 है, 3 का 4 है, तो ये तो सब बच्चों को फिर पता चल जाएगा, तो इसमें प्रश्न वो बनाएगा क्या, इसीलिए अमूमन क्वेश्चन को यहां से पूछता है। बात स्पष्ट है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखिए इस पासे को हमें जल्दी जल्दी अब सीखना है, समझना बहुत ईजी चीज है। ये पूरी हो गई एक्सप्लेनेशन, अब ध्यान से देखिए। अब आपको जो 3 सतह दिख रही है, ये वाली मान लीजिए पहली सतह है, ये मान लीजिए दूसरी सतह है, ये मान लीजिए तीसरी सतह है, ठीक है, नंबर नहीं दे रहा हूं इसके, मान लीजिए आपको 3 सतह दिख रही है, तो आप देखो ये 1 और 2 क्या है, पड़ोसी, 1 और 3 क्या है, पड़ोसी, 2 और 3 क्या है, पड़ोसी, तो इसमें आपको कभी भी विपरीत सतह थोड़ी दिख रही है, मान के चलिए ये फ्रंट की है, ये आपको फ्रंट की दिख रही है, तो इसमें आपको बैक वाली तो पीछे होगी, जुड़ी हुई तो दिख ही नहीं रही है, तो विपरीत सतह आपको कभी दिखती नहीं है, वही हमें पहचाननी है। मान के चलिए ये 3 वाली इस तरफ मेरे तरफ, तो जो इसके विपरीत होगी वो उस तरफ होगी, पीछे की तरफ, वो हमें दिख थोड़ी माफ करिएगा तो हमें दिख नहीं रही है, तो वो हमें पहचाननी है। ये 2 वाली सतह जो आपको ऊपर दिख रही है इसकी विपरीत कौन सी होगी, नीचे वाली, वो हमें दिख नहीं रही है। तो जब भी हमें फोटो दिखाई जाती है इसमें पड़ोसी सतह हमें दिख जाती है, पर इसमें हमें जो मेन चीज है विपरीत सतह नहीं दिखती है, वही हमें पता करना है, वही हमें पता करना है। तो इसे पता करने के खूब सारे तरीके हैं, आइए चेक करते हैं एक एक। पहली कंडीशन, फर्ज करिए कि कल को आपको एक ही पासे की 2 आकृतियां बना करके दे दी जाए, ठीक है, जैसे कि ये ऐसा कुछ, ठीक, यहां पे आपको लिख दिया जाए 2, यहां पे लिख दिया जाए 5, यहां पे लिख दिया जाए 4, ठीक है, यहां पे लिख दिया जाए 2, यहां पे लिख दिया जाए 3, और यहां पे लिख दिया जाए 1, बात स्पष्ट है? अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आप जब देखते हैं, दोनों पासा तो एक ही है, पासा तो एक ही है, बस उसको घुमा फिरा के ऐसे रख दिया है कि दोनों अलग अलग लग रहे हैं, पर आपको ध्यान क्या देना है, यहां पे आपको देखना है कि पहली आकृति में कितनी सतह दिख रही है, 3, दूसरी आकृति में कितनी सतह दिख रही है, 3। अब आपको बस ये पहचानना है दोस्तों कि इन दोनों ड्रॉइंगों में, इन दोनों चित्रों में कितनी सतह कॉमन है, कितनी सतह कॉमन है, ये पहचानना। आप देखेंगे सर एक ही सतह कॉमन दिख रही है, और वो सतह जो कॉमन दिख रही है दोस्तों वो कौन सी है, ये 2 नंबर वाली, ये 2 नंबर वाली, 2 यहां पे भी मौजूद है, 2 यहां पे भी मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं 1 सरफेस कॉमन, एक ही फलक दोनों आकृतियों में कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन, बात स्पष्ट है इस तरीके से। तो ये सबसे पहली कंडीशन हुई और ये सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, अगर ये आपको मिल गई तो आप समझिए आपका पूरा गेम सॉल्व हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ आपको सारी जानकारी मिल जाती है, जितनी जानकारी आपको चाहिए सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ध्यान से देखिए, जब भी हमें पता चले कि एक सतह कॉमन है तो हमें कुछ नहीं करना, जो सतह कॉमन है उसको लिख दीजिए, लिख लिया हमने, अब एक एक करके इसको ध्यान से देखिए, ये 2 वाली कॉमन थी, इसके साथ आप घड़ी के अनुसार घूमने लग जाइए, घड़ी के अनुसार घूमने लग जाइए, घड़ी कैसी चलती है दोस्तों, ऐसी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो 2 से हम क्या आ गए, 5 पे आ गए, ठीक है, फिर 5 से आगे बढ़े तो क्या मिला, 4 मिला, वापस जो सरफेस कॉमन है, जो सतह कॉमन है वहीं से चालू करने, तो ये तो पहली आकृति का हमने लिख लिया, दूसरी आकृति का कैसे लिखेंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे 3, घड़ी के अनुसार ही चल रहा हूं, तो 2 से आगे बढ़े हम क्या मिला, 3, 3 से आगे बढ़े हमें क्या मिला, बात स्पष्ट है, तो कुछ इस तरीके से मिला। तो अब देखिए 5 के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, 3, तो हमें पता चल गया कि 5 के विपरीत कौन सी सतह आने वाली है दोस्तों, 3, बात स्पष्ट है। 4 के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, 1, तो हमें पता चल गया कि 4 के विपरीत क्या आने वाली है दोस्तों, 1, और 1 के विपरीत क्या आएगी, 4, 3 के विपरीत क्या आएगी, 5। बात आती है सर कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो ऐसी एक सतह जो नहीं दिख रही है, यानी कि आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 6, तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6। तो कुल मिला के आपको देखो 6 सतह मिल गई और पता चल गया कि कौन किसके विपरीत होने वाला है, 5 और 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 1 एक दूसरे के आपस में विपरीत होंगे, और 2 और 6 एक दूसरे के आपस में विपरीत होंगे। तो मैं समझता हूं ये बात अब हमारी स्पष्ट हो चुकी है, ठीक है, क्या करना है, अगर एक सतह हमें कॉमन मिलती है तो कुछ नहीं करना, बस शांति से
उस सतह को लिखना चालू करिए दो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, और घड़ी के अनुसार चलते जाइए, दो पांच चार लिखा, दो पांच चार आ गया। यहां से भी हमने वही किया, जो सरफेस कॉमन थी वहीं से चालू किया, दो तीन एक, बात स्पष्ट है। तो जो जिसके सामने आ रहा है वो उसके विपरीत की है, जैसे पांच के सामने तीन आया हमने लिख दिया, चार के सामने एक आया हमने लिख दिया, दो के सामने क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था कुछ, तो जो बच गई होगी सतह वो दो के विपरीत आएगी, तो दो के विपरीत कौन सी आएगी दोस्तों, छह आएगी। तो कुछ इस तरीके से गेम खेली जाएगी। तो ये हो गया एग्जाम्पल एक सतह कॉमन का। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये वाली मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको 100% यानी कि पूरी जानकारी मिल जाती है, जितनी जानकारी आपको चाहिए सारी कुछ यहाँ पे मिल जाती है, पूरी जानकारी, टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई पूरी छह सतहों में कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसका विपरीत है, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाता है। तो इसमें हमें अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होगी, सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। ये बात स्पष्ट है दोस्तों, आइए दूसरी चीज पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये होगी कि यहां पे अब एक सतह कॉमन दी थी पहली वाली में, ठीक, यहां पे क्या होगा, दो सतह कॉमन होगी, टू सरफेस कॉमन होगी, क्या होगी, टू सरफेस कॉमन होगी, यानी कि दो फलक ऐसे होंगे दो चित्रों में जो आपको कॉमन यानी कि समान दिख रहे होंगे। तो आप बोलेंगे सर कैसे, ध्यान से देखिए ऐसा कुछ दिखा रहा हूं, ठीक, मान के चलिए ये लिखा है चार, ये लिखा है तीन, ये लिखा है पांच, ठीक। अब यहां पे लिखा है मान के चलिए चार, यहां इधर लिख देते हैं तीन, यहां पे लिख देते हैं चार, और यहां पे फिर हम लिख देते हैं छह, ठीक। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों इसमें, तो आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है कि सर ये तो पहली वाली में भी चार था और तीन था, दूसरी वाले में भी चार है और तीन है, तो इसमें तो सर दुविधा हो गई, ठीक है, दुविधा कुछ नहीं हुई, ये भी आसान है, पर यहाँ पे आपको जानकारी पूरी नहीं मिलेगी, जानकारी आधी अधूरी मिलेगी, जानकारी आधी अधूरी मिलेगी, आधी अधूरी। इसका क्या मतलब हुआ सर आधी अधूरी का, बड़ा सिंपल सा मतलब, ध्यान से देखिए यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते, बस एक चीज बता सकते हैं, वो क्या, ध्यान से देखिए, अगर दो सतह कॉमन है इसका मतलब एक सतह अनकॉमन है, एक सतह अनकॉमन है, एक सतह अनकॉमन है, तो जो अनकॉमन सरफेस होंगी, जो अनकॉमन सरफेस होंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी, जो अनसतह सरफेस होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे की विपरीत होंगी। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हो, तो चार और तीन, चार और तीन हो गए, तो अनकॉमन सरफेस कौन सी यहां पर, पांच, और यहाँ पे कौन सी है छह, तो पांच के सामने कौन सी आने वाली है, पांच के विपरीत आने वाली है छह, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर छह के विपरीत कौन आएगा, सात आएगा, छह के विपरीत कौन आएगा, सात आएगा। तो आप बोलेंगे सर तो तीन और चार का हम नहीं बता सकते क्या, तीन और चार का आप बता ही नहीं सकते, ठीक है मैं बताता हूँ क्यों। अब ध्यान से देखिए तीन इस्तेमाल हो गया, चार इस्तेमाल हो गया, पांच इस्तेमाल हो गया, छह इस्तेमाल हो गया, पांच के विपरीत तो छह आके बैठ गया, ठीक है सर। अब आप बोलेंगे सर तो यहाँ पे तीन के विपरीत कौन कौन आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, चार के विपरीत कौन कौन आ सकता है सर, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तो यहाँ एक और दो दोनों आ सकते हैं, यहाँ पे भी एक और दो दोनों आ सकते हैं, बात स्पष्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, कई बार दुविधा हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे समझने आ रहा होगा कि दो सतह कॉमन में आप क्या बता सकते हैं स्पष्ट रूप से, सिर्फ एक ही जानकारी बता सकते हैं, वो भी किसकी, जो अनकॉमन सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे ये आप बता सकते हैं, पर जो कॉमन सरफेसेस है उनके विपरीत में क्या आएगा ये हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, कि एक ही सतह अगर हमें कॉमन मिल जाए तो पूरी गेम हम क्लियर कर सकते हैं, हमसे सारे क्वेश्चन तत्काल में फिर बनते जाएंगे, क्यों, क्योंकि इससे पूरी 100% जानकारी मिल जाती थी कि कौन किसके विपरीत है, यहाँ पे दुविधा नहीं होती थी, यहाँ पे हमारे पास असमंजस हो जाता है। तो बात स्पष्ट है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर दो सतह आपको कॉमन मिल जाए दोस्तों तो आपको क्या करना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, जो अनकॉमन सरफेसेस हैं दोनों में उसको आपको एक दूसरे से रिलेट कर देना है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत बन जाएंगे, ठीक है। बाकी जो सतह बचेंगी, जैसे एक और दो यहाँ पे अभी इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो एक हो सकता है तीन का हो, दो हो सकता है चार का हो, ऐसा हो सकता है कि दो तीन के विपरीत हो और एक चार के विपरीत हो, तो ये संभावना यहाँ पे बनती है। तो मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे हमें काफी कुछ पता चल गया है,
तो ये पूरा मेन लॉजिक है। अब इसी के आधार पे आइए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, आइए। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ सतह दो चित्र दिए गए हैं, एक 4-6 लिखा गया, एक 5-2 लिखा गया। इसको मैं थोड़ा और जूम भी कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें ये पूछा जा रहा है कि एक के सामने क्या आएगा ये बताइए, एक के सामने क्या आएगा ये बताइए। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आपसे ये पूछ रहा है कि सर एक के सामने क्या आएगा ये बताइए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही सतह कॉमन है कि दो सतह कॉमन है। आप बोलेंगे सर एक ही सतह कॉमन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, 6-4-5-2 बाकी तो अलग है। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि एक के सामने क्या आएगा। तो जो बच्चा जल्दी जल्दी सीख रहा होगा उसको तो पता चल गया होगा सर एक के सामने क्या आएगा, एक के सामने आएगा 3। अब आप बोलेंगे सर कैसे एक के सामने 3 लिख दिया आपने, एक के सामने आएगा 3। ध्यान से देखिए क्यों लिख रहा हूँ, बात को समझिए। एक ही सतह कॉमन है तो मैं क्या करूंगा, घड़ी के अनुसार घूमने लग जाऊंगा। तो 1-4-6 दूसरी ड्राइंग से भी वैसे ही घूमूंगा, 1-2-5। तो 4 के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। 6 के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। तो एक ऐसी कौन सी सतह है जो अभी तक हमें दिखी नहीं है, वो किसके पास आएगी, इस एक के पास आएगी। तो अभी तक हमें 3 दिखा नहीं है, इसीलिए एक के सामने क्या आएगा 3। हमसे अगर कल को पूछ लेता कि सर 4 के सामने क्या है तो आप बता देते 2, आपसे पूछ लेते 6 के सामने क्या है तो आप बता देते 5। तो पूरी तीनों जानकारियां हमारे पास। तो एक के सामने क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। एक के सामने क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो अगर हम इसके ऑप्शंस पे आप जाएं तो हमें देखिए पता चल जाएगा कि एक के सामने क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी 3 आ रहा है। तो बात स्पष्ट है। अब धीरे धीरे अगर हम समझने लग रहे हैं तो आप बोलेंगे सर इसमें तो एक शॉर्टकट आ गया। बिल्कुल, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद से समझें, मेरे बताने से पहले आप खुद से समझें क्या है ये शॉर्टकट। बड़ी सिंपल चीज है, ध्यान से देखिए कि कभी भी एक सतह कॉमन आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखिए, अगर जो सतह कॉमन है उसी का पूछ लिया तो बस एक ऐसी चीज को पहचान लीजिए जो दोनों ड्राइंग में नहीं दिख रही है। जैसे यहाँ पे अब मैं मिटा देता हूं, आप देखिए आपको क्या नहीं दिख रहा था, एक कॉमन दिख रहा था बस, ठीक। 6-4-5-2 क्या नहीं दिख रहा था, 3 नहीं दिख रहा था, वो किसके विपरीत होगा, 3। सीधी बात है। तो ये शॉर्टकट आप धीरे धीरे विद प्रैक्टिस खुद ब खुद समझते जाएंगे। तो ये हो गया शॉर्टकट। बट अगर आप ऐसे अभी शुरुआती दौर में हैं तो आप ऐसे ऐसे करके भी देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको अभी क्लियर हो रही है धीरे धीरे। आइए दोस्तों और प्रश्न बनाते हैं, तब ये बात और स्पष्ट होने लगेगी। आइए देखिए, आपको पूछ रहा है ये जो ई जैसा दिख रहा है, ये जो ई जैसा दिख रहा है इसके सामने वाली सतह कौन सी होगी। आइए, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए इसको, बड़ा इजी है ये भी, ठीक है। ध्यान से देखिए आपको दोनों चित्रों में कितनी सतह कॉमन दिख रही है। आप बोलेंगे सर ये टीवी मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ये रुपीस भी मुझे कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर दो सतह कॉमन दिखती है तो क्या होता है इसमें, अनकॉमन सर्फेसिस क्या हो जाती है दोस्तों, अपोजिट हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो अनकॉमन सर्फेस यहाँ पे कौन सी है दोस्तों, ये ई वाली जो हमें चाहिए थी, इसके विपरीत कौन सी आएगी जो यहाँ की अनसरफेस होगी, अनकॉमन होगी, तो वो कौन सी है दोस्तों, के वाली। बहुत बढ़िया, ये के वाली, ठीक है, ये फैंसी के बना दिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा कि इस ई वाले के सामने क्या आने वाला है दोस्तों, इतना इजी है, बात स्पष्ट है। तो प्रश्न बहुत इजी होते हैं, आइए 3-4 और क्वेश्चन लगाते हैं। अगर नहीं बन रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके देखिए, और बन रहा है तो तेज देखिए, बढ़िया है, ठीक है। बाकी अगर जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, जो भी आपके डाउट रहेंगे, आप अगले लाइव में मुझसे बेशक पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई आपत्ति उस चीज की नहीं होगी। आइए चेक करें, हाँ जी, यहाँ पे बोल रहा है कि 6 के सामने क्या आने वाला है, 6 वाले के सामने क्या आने वाला है। अब मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं आपको, जैसे सब कुछ स्पष्ट दिखने लगे। सर 6 के सामने क्या आएगा, ध्यान से देखिए दोनों चित्रों को देखिए, कितनी सतह कॉमन है सर, सर 7 इधर भी है, 8 इधर भी है, 7 इधर भी है, 8 इधर भी है। तो अनकॉमन वाली क्या होंगी, अपोजिट। तो 6 यहाँ पे अनकॉमन है, 9 यहाँ पे अनकॉमन है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो 6 के अपोजिट क्या मिलेगा दोस्तों, 9। बात स्पष्ट, इतना ही क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। इतनी ही तेजी से आपके धीरे धीरे बनने
लगेंगे दोस्तों। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल लाइक करिएगा इसको और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। आइए दोस्तों अब ये वाले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है दो नंबर के सामने कौन सी चीज आएगी, दो नंबर के सामने कौन सी चीज आएगी, तो दो के सामने आपसे पूछ रहा है। अब दोनों चित्रों को देखिए, कुछ कॉमन है, आप बोलेंगे हाँ सर कॉमन है, कितनी चीजें कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, दो कॉमन है, यहाँ पे क्या आ रहा है 6-3, यहाँ पे क्या आ रहा है 1-4, तो अगर एक ही सरफेस कॉमन है और वही पूछ ले कि जो सरफेस कॉमन है उसके अपोजिट क्या होगा, तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है जो नहीं दिख रहा होगा वो उसका आंसर होगा। तो 2-3-6-2-1-4 क्या नहीं दिख रहा है, 5 हमें नहीं दिख रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 5 होगा, ये डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 5 है। अगर हम पूरा लिख के सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से, 2-3-6 लिखेंगे एक बार, 2-3-6 लिखेंगे, दूसरी ड्रॉइंग से कैसे लिखेंगे 2-4-1 लिखेंगे, 2-4-1 लिखेंगे, तो देखिए 3 के सामने क्या आ रहा है, 3 के सामने आ रहा है दोस्तों 4, 6 के सामने क्या आ रहा है दोस्तों 6 के सामने आ रहा है 1, तो जो बच गया वो कहां आएगा 2 के सामने, तो 2 के सामने क्या आएगा दोस्तों 5। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और धीरे धीरे शॉर्टकट को अगर आप पकड़ने लग रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ईजी टॉपिक है, आप सभी से ये सारी चीजें बनेगी मैं आशा करता हूं। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, 11 से 16 तक, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारी संख्याएं लिखी होंगी पूरी 6 सतहों पर, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है बताइए 14 के सामने कौन सी सतह आई, ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले ही आपके उत्तर आने लगेंगे, मेरे को इस बात का भरोसा है। तो देखिए 14 के सामने आपको पूछ रहे, पहले तो देख लीजिए क्या एक सतह कॉमन दिख रही है कि दो सतह कॉमन दिख रही है, तो आप देखेंगे सर 13 कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन दिख रहा है, तो दो सतह कॉमन दिख रही है, तो हमें क्या करना है, जो अनकॉमन सरफेसेस हैं वो क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत, तो यहाँ 14 और यहाँ 11 ये अनकॉमन है, तो 14 के सामने क्या आएगा 11 और 11 के सामने क्या आएगा दोस्तों 14, तो हमसे क्या पूछा था 14 के सामने क्या आएगा, तो 14 के सामने आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 11। क्या ये बात स्पष्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़े और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ठीक, हमसे पूछ रहा है बताइए येल्लो के सामने कौन सी चीज आई, ठीक है, इसमें कुछ कलर दिया, मैं जूम करता हूं, हमसे पूछ रहा है येल्लो के सामने कौन सी सतह आई, तो अमूमन होता है कि घनों को कुछ ना कुछ कलर कर दिया जाता है, ठीक, हमें देखना है कि येल्लो के सामने कौन सी आएगी, तो पहले तो देखिए, देखिए ब्लू यहां पे भी है, ब्लू यहां पे भी है, ठीक है सर, व्हाइट यहां पे भी है, व्हाइट यहां पे भी है, तो दो सतह तो सर कॉमन हो गई, अगर दो सतह कॉमन हो गई तो जो अनकॉमन है वो क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत, तो यहाँ पे ग्रीन है यहाँ पे येलो, तो ग्रीन किसके विपरीत आ रहा है दोस्तों, ग्रीन आ रहा है विपरीत येलो के, तो येलो के विपरीत क्या आएगा ग्रीन, तो आपका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन। क्या ये बात स्पष्ट है दोस्तों, बहुत ही इजी होते हैं प्रश्न। आइए मैं ऐसे भी कुछ प्रश्न आपको कराता हूँ जहां पे हमें कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ट्राई करिए देखिए कैसा है। अब इसमें दो चित्र ना देते हुए उसने 4 चित्र दे दिए, मैं जूम करता हूँ उसको, ठीक है, हमें बस देखना है पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है एक के सामने क्या आने वाला है, हमें क्या पूछ रहा है एक के सामने क्या आने वाला है, हम आराम से बता देंगे कि एक के सामने क्या आने वाला है, हमसे पूछ रहा है एक के सामने क्या आने वाला है। अब ध्यान से देखिए, अगर एक के सामने हमें पता करना है तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि कोई दो ऐसे चित्रों को हम उठाएं जहां पे एक सतह कॉमन मिल जाए, एक सतह कॉमन मिलेगी तो पूरे 6 के 6 फलक की जानकारी हमारे पास आ जाएगी, तो उसमें एक की भी जानकारी हो जाएगी, एक तरीका ये होगा। तो अगर मैं देखूं तो आप ध्यान से देखिए, पूरी पिक्चर को देखने से अच्छा आसपास में देखिए, तो पहली चित्र और दूसरे चित्र को देखिए, यहां पे 5 और यहां पे भी 5 है, ठीक है, सीधी बात है, तो अगर यहां 5 है यहां पे भी 5 है, यहां 6-3 है यहां 1-4 है, तो एक ही सतह कॉमन है, तो जो सतह कॉमन है उसको लिख लीजिए, तो आप क्या देखेंगे 5-1-4 और यहां पे क्या देखेंगे 5-3-6, तो आप देखिए एक के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, एक के सामने आ रहा है 3, तो आपका उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। आपसे पूछ लेता 4 के विपरीत क्या आएगा, तो आप बोल देते सर 4 के विपरीत आता 6, एक के विपरीत आया 3, 4 के विपरीत आया 6, तो आपसे पूछ लेगा 5 के विपरीत क्या आएगा सर, तो आप बोल देंगे सर 2 आएगा जो नहीं दिखा, एक तो ये हो गई जानकारी, एक हो गया ये तरीका। अब दूसरा तरीका अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आंखें और चौकनी हो जाएंगी, कैसे, ध्यान से
अगर हमें ये बताना था कि एक के विपरीत कौन सा आएगा दोस्तों, तो अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे, ध्यान से देखिए। अभी तो हमने पहली और दूसरी चित्र को देख के निकाल लिया कि सर एक के सामने तीन आएगा, हमारा उत्तर हो गया। अब ध्यान से देखिए तीसरी और चौथी ड्रॉइंग को एक बार देखिए। यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे गेम ऐसी हो रही है कि दो और चार इधर है, दो और चार इधर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो इस तीसरी और चौथी ड्राइंग में कितनी सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन है, तो अनकॉमन जो भी सरफेसेस होंगी, जो अनकॉमन सतह होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे की विपरीत। तो यहाँ पे तीन अनकॉमन था, किसके साथ, एक के साथ। तो यहां से भी आप बता सकते थे कि एक के विपरीत क्या आएगा दोस्तों। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि आप कैसे देख रहे हैं। तो मैं आपको जितने रास्ते हो सकते हैं सब कुछ बता रहा हूं, फिर आपको चयन करना है कि हम कौन से विकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका यहां से भी आंसर एक के सामने तीन आएगा, यहां से भी आंसर एक के सामने तीन आएगा। इसमें फायदा यह है कि आप बाकी चार का भी बता सकते हैं, पांच का भी बता सकते हैं, तो आगे चल के कुछ इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा तो आप सभी की जानकारी बता सकते हैं, पर इसमें सिर्फ आप एक के सामने तीन बता सकते हैं। बात स्पष्ट है दोस्तों, बहुत आइए आइए दोस्तों ऐसे ही एकाध और प्रश्न देखते हैं, सुदृढ़ हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपसे दो प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है, ध्यान से। नहीं, यहाँ पे एक ही प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच नंबर अकर्स ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग फोर। तो चार के विपरीत क्या होगा। अब देखिए तीन ड्रॉइंग दे दिया तो दिमाग में कंफ्यूजन मत लाइए, बहुत ही आसान कर रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखिए। हमें बस ये पहचानना है सर चार के विपरीत क्या है। अब अगर पहली दो ड्रॉइंग देखेंगे तो इससे हमारा फायदा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो चार है, यहाँ पे दो चार है, तो चार और दो की तो जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, बस हम ये बोल पाएंगे कि एक का विपरीत तो सर यहाँ से तीन पता चल रहा है, पर हमें क्या निकालना है, हमें चार का विपरीत निकालना है, तो अभी तक हमें पता नहीं चला। तो आप देखेंगे इस दूसरी और तीसरी चित्र, इससे क्या होगा, इसमें आप देखेंगे सर एक ही ऐसी चीज है जो सिर्फ दोनों में कॉमन है। तो वन सरफेस कॉमन को हम कैसे डील करते हैं कि उसी सरफेस का नाम लिखा, वन लिखा, और वहां से घड़ी के अनुसार बढ़ने लगे, तो एक चार दो, बात स्पष्ट है। और दूसरा यहां से कैसे लिखेंगे, एक छ और पांच, बात क्लियर है दोस्तों। अब यहां से देखिए, अब इसको लिखने से क्या फायदा मिला, हमें ऐसे फायदा मिला कि हमें अब ये पता चल गया कि सर चार के विपरीत क्या आएगा, चार के विपरीत आएगा दोस्तों छह, दो के विपरीत क्या आएगा, दो के विपरीत आएगा पांच, और एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत आएगा तीन। बहरहाल हमसे क्या पूछा था, सर चार के विपरीत बताइए, चार के विपरीत आएगा ऑप्शन नंबर टू, सिक्स। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों और कुछ प्रश्न करते हैं। अब कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं सर खुले पासे वाले, और यहाँ पे सर हमें दुविधा होती है, कोई दुविधा नहीं होगी, ध्यान से देखिए। कुल मिला के कितनी सतह होती है, छह सतह, ये छह सतह कुछ इस तरीके से बनाई जा सकती है, पांच स्पष्ट, चार बन गए। अब एक इधर होगी, एक मान लीजिए कभी ऐसी बना, सर क्या अगर हम ऐसा बना दें तो हम गलत तो नहीं हो जाएंगे, एक दो तीन चार, एक इधर बनी रहती है, कभी एक इधर रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर कल को हम ऐसा बना दें तो दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको बस ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, कोई दिक्कत अभी भी नहीं, ठीक बात। अच्छा सर अगर ये ऐसी सोई हुई मिल गई तो, अरे भैया सोई भी मिल गई तो भी लॉजिक को समझ लेंगे तो फिर कैसी भी वो आपको दे दे, आपको कोई फर्क नहीं, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। आपको कुल मिला के बस छह सतह दिखनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए मैं नंबर दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार पांच और छह, ध्यान से देखिए। अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये दो वाले के साथ में जब आप इसको एक को उठाएंगे ऐसे, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ये दो वाली सतह है, देखिए इसके साथ जब आप एक को ऐसे उठाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। मेरा जो नीचे वाला हाथ है वो दो है, जिसके साथ में मैंने इस एक को ऐसे उठा के रखा होगा, तो ये एक और दो ये क्या हो गई, पड़ोसी सतह हो गई। ये क्या हो गई दोस्तों, पड़ोसी सतह हो गई। तो एक जो है वो दो के साथ क्या है, पड़ोसी सतह है। इसी तरीके से दो जो है वह तीन के साथ क्या है, पड़ोसी, तीन जो है वह चार के साथ पड़ोसी। तो हमें तो सर ये पता करना है कि यार कौन किसके विपरीत आएगा, आप मेरे को पड़ोसी बता रहे हो, तो अब यहीं से समझो, अगर एक का पड़ोसी दो है, ठीक है, तो एक का विपरीत कौन आएगा, जो पड़ोसी का पड़ोसी होगा, बात स्पष्ट है, यानी कि एक का विपरीत कौन आएगा, तीन। एक छलांग लगाइए और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है सर। तो इसी तरीके से दो का विपरीत क्या आएगा, एक छलांग लगाइए और आगे बढ़ जाएंगे, चार, बात स्पष्ट है, ठीक है सर। तो छह का विपरीत क्या आएगा, छह का विपरीत आएगा पांच, पड़ोसी का पड़ोसी, बात स्पष्ट है। तो छह का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, पांच। तो मैं यहां से लिख देता हूँ, छह का विपरीत क्या आ रहा है, पांच आ रहा है, एक का विपरीत क्या आ रहा है सर, तीन आ रहा है, अच्छा सर दो का विपरीत फिर क्या आएगा, दो का विपरीत आ रहा है, चार, बात स्पष्ट है। कुछ इस तरीके से बनेगा सर, कुछ और नंबर लिखेंगे, लिख देंगे बिल्कुल। यहाँ पे देखिए नंबर क्या, मैं कुछ और ही लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। यहां से भी ध्यान से देखिए,
एक एक की छलांग लगाइए, यहाँ पड़ोसी के पड़ोसी को ढूंढिए, यहाँ पे आप कैसे गेम खेलेंगे जल्दी जल्दी। डी यहाँ लिखा है, एक छलांग लगाइए उसी दौरान में क्या होगा डी के साथ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी, तो डी का सर आ गया बी। लेफ्ट का राइट ये सबसे इजी हो गया, ई का सर एफ हो गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। ए का कौन होगा सर, ए का हो जाएगा सी, बात स्पष्ट, बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से खेलेंगे। अच्छा सर एक और उदाहरण दे देंगे क्या, मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ, मान लो कभी इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान से देखते जाएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मान के चलो यहाँ पे लिखा है @%$ और यहाँ पे बनी है स्माइली, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कौन किसके विपरीत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ अगर आपको अच्छे से ना दिख रहा हूँ, ठीक ध्यान से देखिए। अगर मैं पहले बोलूं लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे इस तरीके से, तो डॉलर का विपरीत क्या होगा दोस्तों, जो उसके उस तरफ, पड़ोसी पड़ोसी यानी कि ये स्माइली, ठीक है सर। और सर डॉट का विपरीत क्या होगा, पड़ोसी का पड़ोसी, यहाँ तो एक की छलांग लगा लीजिए, तो डॉट का आएगा दोस्तों हैशटैग पांच स्पष्ट, ठीक है सर। परसेंटेज का फिर क्या आएगा, परसेंटेज का आएगा दोस्तों एट द रेट, ये बात स्पष्ट, कुछ इस तरीके से करना है। तो कभी भी घबराइएगा मत, खुले पासे बहुत आसान होते हैं, खुले पासे क्या होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये हमें दिया हुआ है एक बंद पासे की दो चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है जब हम इसको खोल देंगे तो ये कैसा दिख सकता है, ये कैसा दिख सकता है। तो आइए दोस्तों इसको जल्दी जल्दी पता करते हैं। यहां पे देखिए 1, 5, 3, 6, 2, 3, तो अगर आप देखेंगे तो तीन यहां पे भी है, तीन यहां पे भी है, यानी कि ये क्या हो गया, एक सतह कॉमन हो गई, एक सतह कॉमन हो गई, तो हम क्या लिखेंगे घड़ी के अनुसार आगे बढ़ जाएंगे। तो तीन, तीन के बाद यहाँ पे क्या है पांच, पांच के बाद यहाँ पे क्या है एक, यहाँ पे भी देखिए तीन के बाद क्या है छ, छ के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों दो, बात स्पष्ट है, तो बढ़िया है। अब जो चीज नहीं दिख रही है वो क्या नहीं दिख रही है, यहाँ पे हमें चार नहीं दिख रहा, तो तीन के विपरीत क्या आएगा चार आएगा, तो हमें सब कुछ पता चल गया कि तीन के विपरीत चार मिलना चाहिए, पांच के विपरीत छह मिलना चाहिए, एक के विपरीत दो मिलना चाहिए, ठीक। अब एक एक करके आप इधर पे पूछेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए एक के विपरीत आपको क्या चाहिए, दो चाहिए, तो क्या यहाँ पे एक के विपरीत आपको दो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, ये तो पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी में, हमें क्या चाहिए एक की छलांग में ही मिल जाना चाहिए, अगर एक यहाँ पे तो यहाँ पे दो मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा, यानी कि ये हो गया गलत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक के विपरीत दो मिल रहा है क्या, नहीं, यहाँ तो एक और दो चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, पड़ोसी है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थ्री क्या होगा, राइट होगा। कैसे, ध्यान से देखिए एक के विपरीत दो मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल एक की छलांग की दूरी पे है। सर तीन के विपरीत यहाँ तो चार भी मिल रहे हैं, हमें तो चाहिए भी था कि तीन के विपरीत आपको चार मिल जाए। सर यहाँ पे दो के पांच के विपरीत छह भी मिल रहा है, तो सभी कुछ मिल रहा है, ये देखिए पांच के विपरीत छह, एक के विपरीत दो और तीन के विपरीत चार, बात स्पष्ट है। तो ये वाली ड्रॉइंग पूरी तरीके से राइट है, तो खुले पासे में आपने घबराना नहीं है, आराम आराम से सब कुछ आपसे बनते हुए चला जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों जो हमने आज के लिए किए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझने आया होगा, कहीं पे दिक्कत रही होगी तो आप बिल्कुल मुझसे अगले सेशन में इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगले सेशन में लाइव में हम कुछ और भी प्रश्न करेंगे जो कि इसी के इर्द गिर्द होंगे, पर तब तक हमको अपना ढांचा बना के रखना है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जाने से पहले वो पूछ रहा है कैपिटल डी के सामने क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, छह सतहों में छह चीजें क्या लिखी है, डी बड़ा वाला, डी छोटा वाला, ई बड़ा वाला, ई छोटा वाला, एफ बड़ा वाला, एफ छोटा वाला, तो छह अलग अलग सतह है, डी डी एक नहीं है, एक बड़ा डी है एक छोटा डी है, एक बड़ा ई है एक छोटा ई है, एक बड़ा एफ है एक छोटा एफ, हमसे पूछ रहे हैं बड़े डी के सामने क्या आएगा, बड़े डी के सामने क्या आएगा। तो ये तो आइए इसको जल्दी से देखते हैं। तो अगर हमें बड़े डी के सामने देखना है तो पहले तो इन दो चित्रों को देखिए, ये छोटा ई छोटा ई, बस छोटा ई ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी कि एक सतह कॉमन हो गई। तो जब भी हमें एक सतह मिलती है दोस्तों तो हम फटाफट क्या करते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ई घड़ी के अनुसार बड़ा डी, फिर घड़ी के अनुसार एफ बड़ा एफ, यहाँ पे ई घड़ी के अनुसार छोटा एफ, इसके अनुसार डी, तो बड़े डी के सामने क्या आ रहा है, छोटा एफ आ रहा है, बड़े डी के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, छोटा एफ आ रहा है। अच्छा बड़े एफ के सामने यहाँ पे पूछ लिया जाता तो क्या बताते आप, छोटा डी आ रहा है, ठीक है सर। एक चीज बच गई जो नहीं आई है इनमें, वो कौन सी है, बड़ा ई, तो बड़ा ई किसके सामने आएगा, जो दो नो जगह कॉमन है, यानी कि ये छोटा ई और बड़ा ई आपस में कॉमन आता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे गेम खेली जा रही है।
इसमें क्योंकि नामांकरण इसके ऐसे किए जाते हैं कि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उनका पर्पस है दोस्तों आपको कंफ्यूज करना, पर हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे सो दैट हम कल को कंफ्यूज ना हो जाए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक करिएगा, दिवाली का आप समय है, खूब सारी शॉपिंग करिए, खुश रहिए, बढ़िया है, फैमिली को भी टाइम दीजिए, इंजॉय करिए, दोस्तों के साथ भी निकलिए, ठीक है, और अपना ध्यान दीजिए, फिर अपन अगले हफ्ते से अच्छे से और पढ़ाई करना वापस लगेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए, मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और बार, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।